वेलकम डियर स्टूडेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानेन पांडे। आज आप लोगों के लिए संविधान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, जो एक दूसरे से काफी सिमिलर दिखते हैं उनके लिटरल मीनिंग के संबंध में, लेकिन उनका अर्थ काफी भिन्न है और एक ब्रॉड अप्रोच लिए हुए हैं। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, सेपरेशन ऑफ पावर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यह देखने में एक ही तरह के तीनों लगते हैं, लेकिन तीनों का अर्थ अलग अलग है। तो एक एक करके हम इस पर चर्चा करेंगे। पहला, शक्ति पृथककरण का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं। शक्ति पृथककरण का सिद्धांत, शक्ति पृथककरण का सिद्धांत सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ में दिया था, जिसकी पुस्तक का नाम विधि की आत्मा है। आपसे प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि शक्ति पृथककरण सिद्धांत किसने दिया था, तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था और इसकी पुस्तक का नाम स्पिरिट ऑफ लॉ है। इस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने यह कहा कि जो सरकार के तीन अंग हैं, सरकार के जो अंग हैं, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका, जो सरकार के तीन अंग हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इनके जो सरकार के ये अंग हैं, वह अलग अलग ऑर्गन में निवास करने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यह अलग अलग ऑर्गन अलग अलग बॉडी में निवास नहीं करेगा, तो फिर तानाशाही की स्थिति हो सकती है। एक ही व्यक्ति मनमाने तरीके से कानून बनाएगा, मनमाने तरीके से लागू करेगा और मनमाने तरीके से दंड देगा। तो इस को बचाने के लिए मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि वही राज्य, वही देश अच्छा माना जाता है शासन के लिए जहां सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्ति पृथककरण है। अब प्रश्न यह है कि क्या भारत में भी सेपरेशन ऑफ पावर है, जो एक लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? तो इसके संबंध में अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथककरण होंगे, लेकिन भारत में सेपरेशन ऑफ पावर हूबहू नहीं अप्लाई किया गया जैसा कि मॉन्टेस्क्यू चाहते थे या जैसा कि आप संयुक्त राज्य अमेरिका में देखते हैं। क्यों? इसका बेसिक कारण यह है कि भारत में सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए नहीं है क्योंकि भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदात्मक शासन प्रणाली है, जबकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है। संसदात्मक शासन प्रणाली में, जैसा कि आप जानते हो, बेसिक कुछ एलिमेंट हैं जो भारत में पाए जाते हैं। भारत में उस आवश्यक एलिमेंट के आधार पर ही इसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, जो हमने ब्रिटेन से लिया है। पहली चीज कि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं, कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यह बेसिक रूल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। जबकि सेपरेशन ऑफ पावर कहता है कि सारे ऑर्गन एक दूसरे से अलग रहेंगे, कार्यपालिका विधायिका में हस्तक्षेप नहीं करेगा, कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होंगे और न्यायपालिका के भी सदस्य नहीं होंगे। तो भारत में, जबकि भारत में कार्यपालिका के सदस्य, एग्जीक्यूटिव के सदस्य लेजिस्लेटिव के मेंबर होते हैं, विधायिका के मेंबर होते हैं, और जैसे कि आप देखें कि जो कार्यपालिका है वास्तविक और नाम मात्र में बटी होती है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री यानी मंत्रिपरिषद में निवास करती है और नाम मात्र की विधायी कार्यपालिका राष्ट्रपति में निवास करती है। तो कार्यपालिका के सदस्य होने के लिए विधायिका का सदस्य होना आवश्यक है, लेजिस्लेटिव का मेंबर होना आवश्यक है। अगर आप कार्यपालिका का सदस्य बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने में के अंदर आपको
विधायिका का मेंबर होना पड़ेगा, यानी आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा लोकसभा में या राज्यसभा का मेंबरशिप। चूंकि लेजिस्लेटिव दो ऑर्गन है, इसके अंग है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे आप देखें हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले मनमोहन सिंह जी थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन गए लेकिन वह लोकसभा के सदस्य नहीं थे, उनको राज्यसभा से भेजा गया। 6 महीने के अंदर असम से, असम का वो प्रतिनिधित्व करते थे। तो कोई भी व्यक्ति कार्यपालिका का सदस्य तभी होगा जब विधायिका का सदस्य होगा। और संविधान के अनुच्छेद 75(3) में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, कलेक्टिव रूप से उत्तरदायी होगी विधायिका के प्रति। तो इस वजह से भारत में पूर्ण रूप से सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। हां, कुछ आंशिक तौर पे हमने सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो किया है। तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसमें एक दूसरे के अलग हो, इनसे कोई लेना देना नहीं हो, उनके मेंबर के तौर पे या उत्तरदायित्व के तौर पे। लेकिन भारत में चूंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो हमने सेपरेशन ऑफ पावर को आंशिक रूप से फॉलो किया है और अनुच्छेद 50 बताता है। और क्यों फॉलो नहीं किया है पूर्ण रूप से, इसके संबंध में 75(3) बताता है। अगला आता है शक्ति विभाजन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो शक्ति विभाजन का सिद्धांत, इसके जो प्रावधान है यह संघात्मक शासन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है, फेडरल सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। तो भारत भी एक फेडरल राज्य है, लेकिन आप समझ लो कि भारत को क्वासी फेडरल भी कहा जाता है। क्योंकि जो शक्ति विभाजन का सिद्धांत है, जैसे अमेरिका में है, वैसे भारत ने फॉलो नहीं किया, भारत में अप्लाई नहीं हुआ, इसीलिए भारत को क्वासी फेडरल कहा गया। अब क्यों, इसके संबंध में प्रावधान कहां है संविधान के, तो आप देखोगे संविधान के अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची में जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी संघ सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में विषयों को विभाजित किया गया है। यह बताता है संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर संसद कानून बनाती है, राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर दोनों कानून बनाएंगे, संघ और राज्य दोनों कानून बनाएगा, संसद और राज्य दोनों कानून बनाएगा। तो शक्ति विभाजन का जो सिद्धांत है वह यह कहता है कि विषय को लेकर केंद्र और राज्यों में जो विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, जिस पर विषय कानून बनाए जाते हैं संसद या राज्य विधानमंडलों के द्वारा, वह क्या हो, विभाजित हो। इसका क्या होगा, चूंकि हमने फेडरल सिस्टम को अपनाया है और फेडरल सिस्टम का मुख्य आवश्यक तत्व शक्तियों का बराबर बराबर विभाजन होता है, जैसे अमेरिका में होता, हमने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिका से लिया। अब लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में पहली बार फॉलो की गई, लेकिन हमने जो संघात्मक शासन प्रणाली लिया वह कनाडा से लिया। कारण कि अमेरिका में जो शक्तियों का विभाजन है वह केंद्र और राज्यों में बराबर बराबर है, यहां तक कि कहें राज्य केंद्र से ज्यादा शक्तिशाली है, राज्य के शक्ति को केंद्र कम नहीं कर सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, ऐसा हमने सेपरेशन ऑफ, हमने शक्ति विभाजन का सिद्धांत तो अपनाया, डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को तो अपनाया, लेकिन अमेरिका की तरह नहीं अपनाया। हमें केंद्र को मजबूत करना था, केंद्र को मजबूत करने के वजह से संघ में, संघ सूची में हमने इस समय पहले 92 विषय थे, अब जो है 100 विषय हो गए हैं।
राज्य सूची में 52 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं जो अब बढ़ गए हैं। तो यानी जो सब्जेक्ट है जिस पर कानून भी बनाना है उसमें संघ को ज्यादा पावर दिया गया है, ज्यादा विषय रखे गए हैं। और इसके साथ ही साथ संविधान में अनेक ऐसे अनुच्छेद हैं जिस पर आप देखोगे कि संघ मजबूत हो रहा है, और जहां संघ मजबूत होगा तो वह जो सिस्टम होगा शासन का वह फेडरल नहीं होगा बल्कि एकात्मक शासन प्रणाली होगा, यूनिट्रल होगा, एकात्मक शासन प्रणाली होगा। अब क्योंकि केंद्र मजबूत है, हमारे संविधान में वे कौन से अनुच्छेद हैं आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 4, अगर राज्यों के नाम परिवर्तन करना है, उसके सीमाओं को घटाना बढ़ाना है तो संसद ऐसा कर सकती है। दूसरा आप देखें कि अनुच्छेद कानून बनाने के संबंध में अगर देखा जाए तो 249, 252, 356, ये सब 352 और 268, 312, ये सब ऐसे आर्टिकल हैं जो केंद्र को मजबूत करते हैं। अनुच्छेद 155 बहुत काफी दिए गए हैं जहां संघ मजबूत है। अब एक एक करके अनुच्छेद 4 यह कहता है कि राज्यों के नाम चेंज करने हैं। अनुच्छेद 249 कहता है कि अगर राज्य सूची के विषय पर दो या दो से अधिक राज्य यह सहमत हो कि यह राष्ट्रीय महत्व का है तो राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बनाएगी। अनुच्छेद 252 कहता है कि अगर राज्यसभा अपने दो तिहाई बहुमत से यह अनुशंसा करती है कि अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो उस पर संसद कानून बनाएगी। आप जान लें कि जो संसद है उसके दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो राज्यसभा अपने दो तिहाई बहुमत से यह कहे कि अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो उस पर संसद कानून बनाएगी। अनुच्छेद 356 आप जानते ही हैं कि अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो वहां राष्ट्रपति शासन लगती है और उसके संबंध में विधायिका के सारे जो कानून होंगे वह संसद बनाएगी। अनुच्छेद 352 जब राष्ट्रीय आपात लग जाती है पूरे भारत में या उसके किसी भाग में तो उस भाग के संबंध में कानून संसद बनाएगी। अनुच्छेद 268 अगर वित्तीय सहायता पहुंचानी है, कर देना है तो उसके संबंध में राज्य कानून संसद कानून बनाएगी। अनुच्छेद 312 कहता है अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में, राज्यों में अखिल भारतीय सेवाएं के संबंध में नियम बनानी है तो उस पर संसद कानून बनाएगी। और चूंकि राज्यपाल की नियुक्ति करनी है राज्यों में तो वह भी केंद्र ही काम करता है राज्यपाल को, और राज्यपाल क्या है, वह केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है राज्यों में। तो यहां भी और भी अनुच्छेद हैं संविधान में जो यह बताते हैं कि भारत में केंद्र मजबूत है। अब जहां केंद्र मजबूत होगा वहां संघात्मक शासन प्रणाली नहीं होगी, फेडरल सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि यह तो एकात्मक शासन का गुण है। इसीलिए भारत को क्वासी फेडरल कहा जाता है। यह आप समझ लें कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब यह होता है, और इस वजह से भारत क्या है, क्वासी फेडरल है। अब अगला जो है सिमिलर, आप देखें कि पृथककरणता का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, यह अनुच्छेद 13 के लिए है। आप जानते होंगे कि अनुच्छेद 13 कहता है, अनुच्छेद 13 कहता है कि अगर संसद कोई विधि बनाता है जो हमारे भाग 3 के उपबंधों को कम करता है या विफल करता है तो उस सीमा तक, जिस सीमा तक हमारे मौलिक अधिकारों को वह अधिनियम कम किया है वहां तक क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अब प्रश्न उठा कि क्या पूरा अधिनियम शून्य हो जाएगा, कि वही भाग
जो हमारे मूल अधिकारों को कम किया है वह शून्य होगा। तो उसके लिए डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लाई गई, जैसे एके गोपालन के केस में, एके गोपालन बनाम मद्रास राज, मुंबई राज बनाम बलसारा, इन सब बातों की सहायता से सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का सिद्धांत लागू करते हुए यह अब निर्धारित किया कि पूरा अधिनियम हमें वॉयड करने की जरूरत नहीं है, शून्य करने की जरूरत नहीं है, केवल वह भाग जो मूल अधिकारों से असंगत हैं और उन भाग को निकालने से अधिनियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अधिनियम का उद्देश्य विफल नहीं होगा, तो फिर उस दशा में हम केवल उतने ही पार्ट को निकाल दे सकते हैं और इसी को हम कहते हैं पृथककरणिता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो अक्सर इंटरव्यू में आपसे यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है। तो आप यह समझ लें कि यह तीनों का अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग इसके अप्रोच हैं। इसी इंफॉर्मेशन को लेकर मैं प्रेजेंट हुआ था, यह इंफॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।